ओम शांति। आपका प्रश्न है कि पितृ पक्ष में नया सामान लेना चाहिए या नहीं। पितृ पक्ष में कोई भी सामान लेना या ना लेना, इसका कोई संबंध नहीं। ये केवल और केवल मन के वहम बनाए गए हैं ब्राह्मणों ने अपने चलाने के लिए। ये युक्तियां रची गई हैं, बाकी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्या किया है, क्या लिया है, क्यों लिया है। ठीक है कि नहीं, इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझना है। कुछ भी खरीदो, कुछ भी बेचो, ये जो 15 दिन का टाइम आता है, हर महीने आता है, ये कोई पहली बार तो नहीं आ रहा है कि अभी जो है ना शुक्ल पक्ष आ रहा है, कृष्ण पक्ष आ रहा है, 2 बार आता है महीने में, एक बार शुक्ल पक्ष आ रहा है, कृष्ण पक्ष। अमावस पर जाकर के हमारे कृष्ण पक्ष में ये खत्म होते हैं। जैसे ही शुक्ल पक्ष खत्म हुआ तो हर महीने कृष्ण पक्ष आता है, इससे कोई भी मतलब नहीं है। आप कुछ भी खरीदना चाहें खरीद सकते हैं, कोई भी सामान लेना। और अच्छी तरह से समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर व्हाट्सएप करें। ओम शांति।